हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया और मेरे चैनल जर्नी विद फ्लेवर्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस सी पनीर दो प्याज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज इसे हम होटल एंड रेस्टोरेंट स्टाइल बनाकर तैयार करेंगे, तो आप इस रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको। अब ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, मिक्स करेंगे। और ऐड करेंगे अदरक पेस्ट एक छोटा चम्मच और लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट एक छोटा चम्मच। मीडियम हीट में 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए। ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी, मीडियम हीट में 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर,
एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक एक छोटा चम्मच और एक छोटा चम्मच शुगर यानी कि चीनी ऐड करेंगे ताकि ग्रेवी में टमाटर की वजह से जो खट्टापन है वो कम हो जाए। अब 3 बड़े चम्मच पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। मसाले से तेल निकल जाने तक हम इसे कुक करेंगे। अब 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अब पहले से बनाया हुआ काजू का पेस्ट ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से मसालों के साथ। एक छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे और मसालों से ऑयल सेपरेट होने तक उसे कुक करेंगे। अब 1 कप जितना गर्म पानी ऐड करेंगे और इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। अब पहले से फ्राई किए हुए पनीर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और फ्राई किए हुए प्याज के पेटल्स को भी ऐड कर देंगे। अच्छे से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे सारी चीजों को। लास्ट में 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे।